बहन जी, ये बैग उठा के रख दोगी गाड़ी में? हाँ। हाय, रुक रुक, बहुत महंगी गाड़ी है, मैं खोल देती हूँ। हेल्प करवा दीजिए थोड़ी सी। तुझे क्यों बोला है? अब भी हो नीचे रख। अक्कल नहीं है क्या? गाड़ी में सामान कैसे रखते हैं? कभी गाड़ी देखी भी है जिंदगी में या नहीं? आप दोनों खड़े हैं, आप दोनों मेरी थोड़ी सी हेल्प करवा दीजिए। है भी है, इसलिए तुझे बोला कि उठा के रख दे। हल्के होते तो हम खुद भी रख सकते थे, क्यों छोटी? मेहंदी वेहदी लगी हुई है क्या हाथों में? जल्दी जल्दी करो, हमारी फ्लाइट छोटी जा रही है। टाइम से अपनी फ्लाइट पकड़ के जा सकते हैं। हाँ। देखिए, मैंने आप लोगों का सामान रख दिया, मैं चलती हूँ। अभी कहाँ? ये बैग रखा हुआ है, ये भी उठा कर रख। ये तो हल्का है बहुत ज्यादा, ये तो आप दोनों भी रख सकते हैं। और वैसे मैं लेट हो रही हूँ, मैं किसी काम से जा रही हूँ। और रुक, तुझे हमने किस लिए बुलाया था? सामान रखने के लिए? आधा अधूरा काम करेगी तो ऐसे रेपटा मारूंगी ना, तेरे फेस का नक्शा बिगड़ जाएगा, समझी? जो काम बोला है वो काम कर, वो भी पूरा। ये बैग चुपचाप से रख दे और निकल जाए यहाँ से। आप लोग कैसे बदतमीजी कर रहे हैं? एक तो आप लोगों ने मुझसे हेल्प मांगा, मैंने किया, मैंने सामान पूरा रख दिया। ये हल्का सा बैग है, आप रख नहीं सकते, ऊपर से धमकी दे रहे मुझे। औकात में, समझी? कीड़ी मकोड़ी है तू तो, तेरा कोई लेवल नहीं है हमारे सामने बोलने का। जितना तुझसे बोला है ना उतना कर, पैसे ले लेना। और इतने से काम के कितने पैसे हो गए तेरे? 100, 200, 300, 500 रुपए दूंगी, ये भी बैग रख दे चुपचाप उठा के। और वैसे भी तुम जैसे गरीब लोगों में कितना एटीट्यूड होता है ना। आप लोगों को किस एंगल से मैं गरीब लग रही हूँ? और हाँ, मैंने इंसानियत के नाते आप लोगों के बैग रखे, ना कि मुझे काम चाहिए या पैसा चाहिए। अपने पैसे आप खुद रखिए और ये बैग भी आप खुद रख सकते हैं। मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ? हाँ, कहाँ जा रही हूँ? समझ नहीं आया, बोला ना ये बैग उठा के रख। बेअकल औरत, पता नहीं कैसी सी है ये। मन तो कर रहा है इसको और थप्पड़ी थप्पड़ बजाऊं। बदतमीज, शायद तुझे हमारी औकात का नहीं पता। इतनी बड़ी गाड़ी है हमारे पास, ऐसे ऐसे खरीद लेंगे तुझे, समझी? और तेरी क्या ही कीमत होगी? 1 लाख 2 लाख, इससे ज्यादा इसकी कोई कीमत भी नहीं हो सकती। हुलिया देखा है तूने खुद का? आंटी जी सूट पहन के घूम रही है, कोई गली का कुत्ता भी ना पूछे तुझे, हमने फिर भी तुझे काम के लिए पूछ लिया। देखिए, मैं आंटी हूँ या जो भी हूँ, वो मेरी पर्सनल चॉइस है और आप मुझे ऐसा जज नहीं कर सकते क्योंकि मैंने सूट पहना। आप लोगों ने मेरे साथ बहुत बदतमीजी कर ली, अब बहुत हो रहा है। मैं चाहूँ तो आप लोगों के ऊपर हाथ उठा सकती हूँ, लेकिन देवी अपने पास लेक्चर रखती है ना। और तूने, हाँ नेहा देख, गाड़ी का क्यों हल किया इसने? सामान रखने को बोला था और तूने हमारी गाड़ी गंदी कर दी और क्रोच भी आ गया, देखना रे नेहा। यार कैसी बात कर रहे हो आप लोग मेरे? अबे ओ इधर देख, कैसी क्या बात कर रहे हैं? ये तूने गाड़ी गंदी की है, तुझमें इतनी अक्कल नहीं है? अगर जमीन से बैग उठा रहे हैं तूने झाड़ के रख दिया। बेअक्कल औरत, इसको तो इसके काम के पैसे भी नहीं मिलने चाहिए जैसे इसकी हरकतें हैं। देखिए, मैं आप लोगों से पैसे नहीं मांग रही है, मैंने इंसानियत के नाम पे बैग रख दिए। और अगर गाड़ी गंदी होगी आप लोग खुद साफ कर सकते हैं क्योंकि मैं आप लोगों की नौकर नहीं हूँ। मैं जा रही थी, आपने मेरे से हेल्प मांगी, मैंने कर दी, सिंपल। अरे क्या करें, पागल है क्या आप? आप में बिल्कुल भी तमीज नहीं है, कितनी बेशर्म हो रही है, दिख नहीं रहा क्या तुझे? अब पता चला कि मैं कैसे साफ करती हूँ? अगर तू साफ कर देती तो मैं अंदर से लाके तुझे कपड़ा दे देती जिससे तू साफ कर सकती थी। बेटा शुक्र मना तेरी चुन्नी साफ की है, वरना तेरी शक्ल से भी साफ कर सकती थी मैं। शायद तू जानती नहीं है मैं कौन हूँ, यहाँ के सबसे बड़े बिजनेसमैन की बेटी हूँ मैं, समझी? खुद तो नहीं हो ना, आपके पापा बिजनेसमैन होंगे लेकिन आप तो नहीं हो ना, उस चीज का इतना घमंड है आपको? अरे शर्म कर लो, ऊपर से आप लोगों ने ना मेरे दुपट्टे से गाड़ी पोंछ दी। मैं चाहूँ ना तो आपको भी अभी पोंछ सकती हूँ इसी गाड़ी में, समझी? अच्छा तू मुझे पोंछ रही है? लगनी भी चाहिए तभी तुम जैसी औरतों की अकल ठिकाने आती है। तुझसे थोड़ा सा नौकर लग रही हूँ मैं जो ये चीज करूँ तो जाना। नौकरी तो बनना है तुझे, हमारे नहीं किसी और की बनेगी। करना तो झाड़ू पोछिए, इससे ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकती, तेरे हुलिये से पता चल रहा है। हमारी नौकर बन जा, गाड़ी साफ कर देना, ऐसे बैग वैग रख देना और उतार देना जब हम कहीं से आए तो। ज्यादा कुछ नहीं फिर भी 4-5 हज़ार रुपए तो हम तुझे दे ही सकते हैं, तेरी औकात के हिसाब से बहुत ज्यादा है ये भी, समझी? आप लोगों को मेरी औकात ये लगती है और मेरे हुलिया से ये लग रहा है कि मैं काम वाली हूँ। बिल्कुल,
अगर आपने ड्रेस पहना हो और आपने जीन्स टॉप, इसका मतलब कि आप बहुत रिच हो, लेवल आपका बहुत हाई है, आप लोग बहुत मिच्योर हो, मतलब आप लोगों के पास बहुत पैसे हैं, सामने वाले की कोई इज्जत नहीं है। अगर उसने सूट या साड़ी पहना, आप ये बोलना चाह रहे हो? वो तो है यार, कितनी अच्छी है ना ये, लाख बुराइयां हो इसमें फिर भी एक अच्छा ही है कि अपने औकात अपने मुंह से ही बता रही है। वैसे तुम जैसे कीड़े मकोड़े ये बोलते हैं बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। खैर सूट साड़ी की बात छोड़, ये तेरा सूट है ना 100-200 रुपए का है, शनि बाजार मंगल बाजार से खरीदती है ना, क्योंकि तेरी हुलिया से पता चल रहा है। और रही बात मेरे कपड़ों की, ब्रांड के कपड़े पहनती हूँ मैं, नाम भी नहीं सुना होगा तूने, जारा। अरे तो किसको बता रही है, जारा का जे भी नहीं आता होगा तेरे को। जारा में जेड आता है, जे नहीं। अरे मैडम आप यहाँ पे, तुम लोग निकले नहीं? तुम लोग, तुम ये कौन है? ये मेरी ऑफिस की ओनर है जहाँ मैं काम करता हूँ। ओह तो ये दोनों को आप जानते हो? ये मेरी वाइफ है बेटर आप, और ये इसकी बहन है। ओह तो ये दोनों बदतमीज, आपके वाइफ और आपकी साली, राइट? हाँ बदतमीज। मैडम इन्होंने कुछ बोला क्या आपको? अरे मैं बताती हूँ। कुछ भी नहीं, मैं बताती हूँ ना, हमसे ना बैग उठ नहीं रहे थे तो हमने इनकी हेल्प लेके ना हम दोनों ने बैग उठा के रख लिए। अरे तुम मुझे फोन कर लेते, इनसे हेल्प मांगने की क्या जरूरत थी? इसलिए मैम बुरा मान गई, आई एम सो सॉरी मैम। नहीं नहीं मैडम सॉरी, इन्होंने आपसे बैग उठवाया पर हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, बस हेल्प मांगी आपसे। मजाक किया था आपके साथ। रुकिए मैं बताती हूँ, ये लोग तो सच्चाई बताएंगे नहीं। इन लोगों ने मेरे से बैग उठवाया, मेरे से बदतमीजी की और मेरे ऊपर हाथ भी उठाया। नेहा और मैं सूट पहनी हूँ तो मैं कोई काम वाली हूँ, भिखारन हूँ, ये लोग मुझे ना 2-3 हज़ार में काम पे रखेंगे। नेहा मैं खुद काम करता हूँ इनके पास, तुम इन्हें काम पे रखने की बात कर रही थी। तुम्हें मैंने कितनी बार बोला है ना, अपनी बचकांडी हरकतें छोड़ दो, इसके साथ रह रहे के ना नेहा तुम भी इसकी जैसी होते जा रही हो। क्यों बेइज्जती करती हो किसी की? कोई इंसान क्या है क्यों है, तुम एक तो तुम्हारी हेल्प कर रही है वो, और तुम उनकी बेइज्जती कर रही हो, उन पे हाथ उठा रही हो। और हाँ नेहा मैं ना तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुम ना दिन पे दिन बेकार होते जा रही हो, कभी मुझसे लड़ती हो कभी किसी और से लड़ती हो, तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है क्या, लड़ाई करती रहती हो हर किसी से? और आज तो मेरी नौकरी पे बात आ सकती है, पता है तुम लोगों को? पता है ये ना मुझे नौकरी से भी निकाल सकती हैं, लेकिन तुम लोग बदतमीजी कर रहे थे इनके साथ बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे। जिस गाड़ी का तुम धोस दिखाती हो ना सबको, हैरियर ये गाड़ी भी ना आज मैंने इनके बदौलत ही ली है, इन्होंने मुझे सपोर्ट किया, एडवांस दिया, तब जाके मैं ये गाड़ी खरीद पाया हूँ। 2 साल से काम कर रहा था लेकिन अब गाड़ी खरीद पाया। जीनो आई एम सो सॉरी, सॉरी मैम हमें नहीं पता था। क्या नहीं पता था, तुम्हें पता भी है, ऐसे किसी को भी बोलना गलत है, ये मेरी ओनर है इसलिए नहीं बोल रहा मैं। अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तुम उसकी भी बेइज्जती कर रही होती ना, तब भी मैं तुम्हें ऐसे ही बोलता। नेहा तुम बहुत गलत होते जा रही हो, कई बार बोला मैंने इसके साथ मत घूमा करो। और हाँ तुम्हारे घर पे तुम्हारे माँ बाप तुम्हें खाना नहीं देते क्या, जो मेरे घर पे उठ के आ जाती हो? बहन है वो मेरी। तो तुम्हारी बहन है तो ऐसे मेरी ओनर की बेइज्जती करेंगी क्या? और तुमने भी किया है, पूरा डिजर्व तुम भी करती हो, सुनना। सॉरी जीजू, सॉरी मैम। देखिए आप लोगों ने जैसे मेरे साथ बिहेव किया, चाहती तो मैं भी आप लोगों पे हाथ उठा सकती थी, लेकिन मेरे संस्कार ऐसे नहीं है कि मैं दोबारा पलट के जवाब दूँ। और हाँ मैडम अगर आप इन पे हाथ भी उठाती तो इनमें और आप में क्या ही फर्क रह जाता, यही तो आपकी अच्छाई है। और देखो इनको, इनके साथ तुम बदतमीजी कर रही थी, अरे इन्होंने एक तो तुम्हारी मदद की, तुम्हारे बैग उठाए भारी भारी, मुझे बुला लेती, ऐसे किसी से भी मदद मांग रही हो उसका मजाक बना रही हो, अच्छी बात थोड़ी है नेहा। तुम दोनों ना आगे से ध्यान रखना, कभी भी किसी भी इंसान के साथ बदतमीजी नहीं करनी और उस पर हाथ नहीं उठाना। मैडम मैं आपको कहीं छोड़ दूँ? नहीं मेरी गाड़ी यहीं पे खड़ी है, मैं वहीं पे जा रही थी। सॉरी मैम इनकी तरफ से गलती हो गई इनसे। कोई बात नहीं आगे से ध्यान रखना। जी मैम मैं चलती हूँ। हटो गाड़ी, बैठो गाड़ी में दोनों।